आयशा के ओर से ये न्यूक्लियर एनर्जी लोगों के जिंदगी लूटने की जो साजिश है उसके खिलाफ जो लड़ाई चल रहा है, उस लड़ाई के प्रति आयशा के ओर से हम अपना सॉलिडारिटी व्यक्त करना चाहेंगे। उस आंदोलन के प्रति हम अपना सॉलिडारिटी व्यक्त करना चाहेंगे। एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से होने के नाते सारे लोगों को पता है, देश के सारे लोगों को पता है कि इस समय इस देश के छात्र नौजवान देश को बचाने की एक लड़ाई में है। तमाम तरीके के शब्द हमारे सामने फेंके जा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो एक साल में गिने चुने 2-3 दिन देश में पाए जाते हैं जब किसी राज्य में चुनाव होता है, वो हमारे सामने वोकैबुलरीज का एक पूरा शब्दमाला रचे हैं। हमको बोला जा रहा है कि मेक इन इंडिया हो रहा है, हमको बोला जा रहा है कि अल्टरनेटिव एनर्जीज का सोर्सेस सरकार ढूंढ रही है। हम देख रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस भी देश में जा रहे हैं वहां से एक नया डील लेके आ रहे हैं, कह रहे हैं कि ब्रेक थ्रू हो गया। हम देख रहे हैं कि हमारे रिपब्लिक डे में जिस दिन हम अपने सॉवरेनिटी को सेलिब्रेट करते हैं उस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं और हमको बोला जाता है कि ब्रेक थ्रू हो गया, बहुत बड़ा चीज हासिल कर लिया। इंडो यूएस न्यूक्लियर डील में जो नहीं हो पाया था, जो रुका हुआ था, वो हो गया। तो ये जो अभी अभी और एक जो चीज जो बोली नहीं जा रही है, जो सड़कों पे छात्र बार बार लाठी खा के, वाटर कैनन सह के, टीयर गैस सह के, चोट खा के, हॉस्पिटल जाके, पुलिस स्टेशन जाके, थाने में अरेस्ट होके बोल रहे हैं, वो है डब्ल्यूटीओ। और ये जो शब्दमाला का खेला है, इसका मतलब है, इसको अगर थोड़ा सा हम लोग एनालाइज करेंगे, इसके गहराई में जाएंगे, तो हम देखते हैं कि इस देश के जमीन को, इस देश के आजादी को, इस देश के संप्रभुता को, रिसोर्सेस को लूट खाने की एक साजिश, एक खुला खेल रचा गया है। बोला जा रहा है मेक इन इंडिया, आओ हमारे देश में बनाओ। इसका मतलब है आओ हमारे देश को लूटो, यहाँ के श्रम कानून को हम बदल दे रहे हैं। आओ, कोई मजदूर विरोध नहीं करेगा, ये तो भारत के मजदूर है, गुलाम रहना तो इनके इतिहास में है और हम उसी देश के प्रधानमंत्री हैं। श्रम कानूनों को बदला जा रहा है। हम देख रहे हैं भोपाल हुआ इस देश में, इसी देश में भोपाल हुआ और हमारे देश के प्रधानमंत्री आज इस हमारे देश की सरकार इस बात में गर्व महसूस करती है कि अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे और ये गारंटी करा के गए कि एक दलाल सरकार, तृतीय विश्व के थर्ड वर्ल्ड के दलाल सरकार, वो अपने देश के कानूनों को ऐसे बदल देगा कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो न्यूक्लियर सप्लायर है उनको कोई भी उनको अकाउंटेबल नहीं होना पड़ेगा। अगर मरना है न्यूक्लियर डिजास्टर में तो ऐसे मर जा, ऐसा मरना तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम भारत के लोग हो तो तुम्हारी जिंदगी बहुत चीप है। उससे महत्वपूर्ण है न्यूक्लियर पावर सप्लाईज का प्रॉफिट, पूंजी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट में थोड़ा सा भी कमी नहीं आना चाहिए। भोपाल में मरना है मर जाओ, जैतापुर में मरना है मर जाओ, और अगर कुदम में मरना है मर जाओ। मरना जो है तुम्हारे उसमें लिखा हुआ है, भाग्य में लिखा हुआ है, क्योंकि तुम भारत के लोग हो। और हमको लगता है कि आज जापान के साथ जो डील करने का साजिश, सोच के देखिए, जिस देश में फुकुशिमा हुआ उस देश से टेक्नोलॉजी, उस देश से हम लोग डील में जाने वाले कि इस देश में अब फुकुशिमा हो, इस बात को सोच के देखने लायक है। और हमको लगता है कि ये जो पूरा खेल शुरू हुआ है, पहले ओबामा जी आएंगे, उसके बाद अमेरिका और फ्रांस का जो पूरा प्रोजेक्ट है उनका पावर प्लांट फुलफिल नहीं हो पाएगा, तो उसके बाद जापान के नेता से, उनके हेड ऑफ द स्टेट से हम लोग डील में जाएंगे और रिसीविंग एंड में रहेगा भारत का जनता। तो इस साजिश को हमारा, हम यहाँ से ये कहने वाले हैं कि हमारा जिंदगी चीप नहीं है, हम बार बार अपना जिंदगी भोपाल बनाने के लिए, हमारे देश को भोपाल बनाने के लिए तैयार नहीं है। और जो लड़ाई एक छात्र संगठन से, हम इस लड़ाई के साथ अपना फुल सॉलिडरिटी
की छात्रों के साथ फिशर फोक्स की। ये सॉलिडारिटी बढ़ेगी, लड़ाई एक बहुत बड़े लड़ाई में तब्दील होगा और बड़े बड़े ताज उखाड़े गए हैं। नरेंद्र मोदी जी को ये याद रखना चाहिए कि बहुत आसान है इस देश के जनता के लिए उनको अपना औकात दिखा देना। इस देश के सरकार को इस देश के जनता से डरना होगा। हम कतई तैयार नहीं है कि तुम्हारे लाठी से, तुम्हारे वाटर कैनन से हम डरेंगे। हम तुमसे डरते नहीं है, बल्कि तुम तैयार हो जाओ कि हम अलग अलग खेमे में बटे हुए नहीं है। हमारी लड़ाई जुड़ेगी और तुमको उखाड़ा जाएगा सत्ता से अगर इस देश को बेचने की इस साजिश को तुम जो है कंटिन्यू